गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें हम अपने जो जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जो बेसिक हमने स्टार्ट किया था सीखना, उसे हम सीक्वेंस में लेके चलेंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में जो पढ़ा था, जो सीखा था, उसे हम एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लें। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि लेटर्स कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 21 होते हैं। वॉवल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू, और उन्हें छोड़ के जो भी लेटर्स बचते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि वर्ड किसे कहते हैं। सो वर्ड इज़ अ वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ सम मीनिंग। हमने देखा था कि वर्ड उससे कहते हैं हम जो कई सारे लेटर्स से मिलके बनता है और जिसका एक मीनिंग निकलता है, जिसका कोई मतलब समझ में आता है। उसके बाद हमने देखा था कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस में हमने देखा था कि बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे शब्द जब मिल जाते हैं और उनका भी एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है तो उन्हें हम सेंटेंस कहते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि सेंटेंस जो है वो हमेशा, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा जो है वो कैपिटल होता है, और जब हम सेंटेंस को एंड करते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं, किसी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और किसी सेंटेंस में एक्सक्लामेशन मार्क लगाते हैं। और वो हम आगे पढ़ेंगे कि कब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, कब एक्सक्लामेशन मार्क लगाते हैं और कब फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप का तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं कि फुल स्टॉप कब लगते हैं। उसके बाद हमने एग्जाम्पल में देखा था चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, ये एक सेंटेंस है। सो सेंटेंस उसे कहते हैं जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकले। ऐसे ही हम बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ लिख देंगे तो उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड, तो हम स्टार्ट अपने अब न्यू वीडियो को, न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वही है लेकिन हम लोग इस बार कुछ नया लर्न करेंगे। द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड इज़ कन्वेइंग अ कम्प्लीट मीनिंग, यानी अभी जो हमने पढ़ा था इसके पहले एग्जाम्पल चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, तो इसका एक कम्प्लीट मीनिंग निकल रहा है। उसके बाद हम आगे देखेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट कन्वे अ कम्प्लीट मीनिंग लाइक आई क्रिकेट प्ले मॉर्निंग इज़ नॉट कॉल्ड अ सेंटेंस। तो अब हम आगे ये देखेंगे कि वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है हम उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पर आई क्रिकेट प्ले मॉर्निंग, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं लेकिन इनका कोई भी कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है तो हम इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। अब हम आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि सेंटेंसेस जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, उनके 4 प्रकार होते हैं। सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, वैसे सेंटेंस जो कोई स्टेटमेंट बनाते हैं, इज कॉल्ड एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये सेंटेंसेस सिंपल होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो असर्टिव सेंटेंस के हैं, या फिर हम इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। नाउ वी विल सी द सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस। सो द सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज़ द इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो सेकेंड दूसरे प्रकार का जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, जो सेंटेंस का वाक्य का दूसरा टाइप होता है, दूसरा प्रकार होता है, उसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। वैसे सेंटेंस, वैसे वाक्य जो जिससे हमें पता चलता है कि कोई सवाल, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इट एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड करते हैं। हमने पीछे बताया था ना कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड करते हैं, बहुत सारे एक्सक्लामेशन मार्क के साथ एंड करते हैं। तो अब हम वही देख रहे हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है।
एज फॉर एग्जाम्पल, वॉट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके एंडिंग में क्वेश्चन मार्क भी लगा है। सेकेंड एग्जाम्पल है, डज ही ईट मैंगो, क्या वो आम खाता है। तो ये जो है ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो अब हम देखेंगे द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस विच इज़ कॉल्ड द इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। वैसे वाक्य जो किसी कमांड को या किसी रिक्वेस्ट को दिखाते हैं उसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। एज फॉर एग्जाम्पल, स्टैंड अप, अगर हम किसी को कहते हैं स्टैंड अप तो ये क्या है, ये एक कमांड है। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑलवेज ऑबे योर पेरेंट्स। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस के हैं। सो स्टूडेंट्स, द फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस इज द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जो चौथे टाइप का वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, उसे हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। वैसे वाक्य जो किसी इमोशंस को दिखाते हैं, फीलिंग्स को दिखाते हैं, भावनाओं को दिखाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो एंड करते हैं एक्सक्लामेशन मार्क के साथ, इट एंड्स विथ एक्सक्लामेशन मार्क। सो दिस इज़ द एक्सक्लामेशन मार्क। ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। और एक्सक्लामेशन मार्क एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में लगते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द एग्जांपल्स ऑफ द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अलास, शी लॉस्ट हर पेन। सो ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये क्या है, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ जो एक्सक्लामेशन मार्क लगा है, यहाँ एंडिंग में एक्सक्लामेशन मार्क लगा है। सो ये क्या है, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ये किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग या किसी इमोशंस को दिखाता है। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज हुर्रा, इंडिया वॉन द मैच। तो ये क्या है, ये भी एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड आई विल हेल्प यू। एंड स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।